ओ भाई ताकुमी आ गया म्यूजिक। ओ मैन भाई साहब पलटना मत, बहुत गंदा हिट बॉक्स है भाई इसमें। सही में भाई यार क्या गंदा रेस चल रहा है भाई। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो में कार एक्सट्रीट पीसी के। गाइस लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा भाई हम लोगों ने ये ब्रांड न्यू सुप्रा को ना फुल्ली कस्टमाइज किया था। इसमें बहुत ज्यादा पावर दिया था, अराउंड 500 bhp का ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है, जो इसको ना प्रॉपर एक ड्रिफ्ट बिल्ड के हिसाब से गाड़ी बना देता है। भाई देखो स्मूथ ड्रिफ्टिंग गाड़ी एकदम बन चुका है, खतरनाक वाला। इसमें एंगल भी भाई आगे में है तो हम लोगों का ये ओवर स्टीयर भी नहीं करता है, बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। एंड आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले अपने कार एक्सट्रीट का जर्नी को कंटिन्यू। भाई मेरे पास ना अभी कोई भी क्लास टू की कार नहीं है, हम लोगों ने क्लास टू की गाड़ी खरीदी थी जो थी ये सुप्रा, बट ये सुप्रा बेसिकली हम लोगों ने फुल्ली ट्यून कर दिया है, जो इसको क्लास फाइव में कन्वर्ट कर दिया है भाई। एंड अभी क्लास फाइव का रेसेस हम लोग नहीं कर पाएंगे भाई, हम लोगों को क्लास टू के रेसेस को ही कंप्लीट करना है। एंड यार मेरे पास ना पैसे ही बहुत कम है, देख लो सिर्फ और सिर्फ 85,900 रुपीज है मेरे पास, आई मीन क्रेडिट। तो भाई न्यू गाड़ी तो हम लोग नहीं परचेज कर पाएंगे फिलहाल, आई मीन परचेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आज ना एक ब्रांड न्यू गाड़ी परचेज करने का। बट उसके पहले ना हम लोगों को C2 क्लास का ना रेस कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोगों को एक फ्री गाड़ी उठानी पड़ेगी जो बेसिकली डीलक्स एडिशन में आता है। भाई हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपनी गाड़ी चेंज करने। एंड गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करो यार, इसे हम लोगों को गुड लक बढ़ता है भाई। हम लोग यहाँ पे तुरंत तुरंत रेसेस कंप्लीट करेंगे एंड एक ब्रांड न्यू गाड़ी परचेस करेंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आज मेरा कौन सा मन है भाई गाड़ी परचेस करने का। एक तो ये S18 है, मतलब 180SX, ये वाली गाड़ी हम लोग परचेस कर सकते हैं। बट एक गाड़ी है आगे में जो है ये E46 BMW M3। भाई ये नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड की GTR है, आई थिंक हम लोग इसमें ना इसको पूरा एक नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड GTR का लुक दे सकते हैं। बट इसके लिए हम लोगों को ना सबसे पहले कोई सी गाड़ी लेनी पड़ेगी डीलक्स एडिशन से। भाई ये वाली गाड़ी अभी तक हम लोगों ने ट्राई भी नहीं किया है, लेट्स टेक इट आउट बिकॉज बेसिकली ये फ्री में हम लोगों को मिलता है यार। ये भी गो, दिस इज BMW E31 E30 क्या था पता नहीं, कुछ तो ऐसी कुछ इसका है भाई, वैगन है बेसिकली ये। लेकिन ये क्लास टू की कार है जो हम लोगों को हेल्प करेगा मिशंस कंप्लीट करने में। भाई भाई वेट 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 अ सेकेंड, अभी हम लोग कौन सा मिशन कर सकते हैं, हम लोगों को देखना है अलाउ कर रहा है कि नहीं। भाई साहब देर इज नो मिशन गाइज, ये R190 है, यहाँ पे हम लोगों को कितना चाहिए R380। Damn, ये कांजो स्पीड ऑलरेडी हम लोगों ने किया। यहाँ पे एक है R240 एंड मेरे पास एक और कार है उसको भी लेके आते हैं, वो है ये E92 कन्वर्टिबल। भाई BMW E92 ये अभी फिलहाल के टाइम पे भाई मेरा ड्रीम कार है। ऑल्सो E93 M3 आती है अपने इंडिया में कन्वर्टिबल, वो स्पेसिफिकली मेरा ड्रीम कार है भाई। भाई यार किसी ना किसी दिन हम लोगों को चाहिए, बट अभी फिलहाल हम लोग इन गेम इसको एंजॉय कर सकते हैं भाई। लुक देख रहे हो यार E90 का लुक ना, आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई भी BMW बीट कर पाया मेरे हिसाब से यार, मेरे को E90 के लुक्स ही अच्छे लगे अभी तक। एंड गाइस ये जो है ना इसका रेटिंग है R494, दैट मीन्स ये सेम कार से ना हम लोग ये वेस्टर्न सियरा कंप्लीट कर सकते हैं एंड बर्नआउट रेंजेस कंप्लीट कर सकते हैं। मेरे को देखना है किसमें कम रेसेस है, ये पहले तो कैसे पता चलेगा, सर्किट है स्प्रिंट है, इसमें क्या है, इसमें भी सर्किट एंड स्प्रिंट है। भाई जॉइनिंग के लिए भी हम लोगों को पैसे देने पड़ते हैं भाई, क्रेडिट्स, व्हाट द हेल भाई साहब। लेट्स सी पहले ना ये गाड़ी को ट्राई करके देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस। भाई साउंड ओहो भाई यार इसमें अभी भी वाला नहीं दिया ना कि लाइक कैमरा मूव कर पाए इधर उधर, भाई देना चाहिए था। लेट्स सी ओके, सेकंड गियर में भी पावर है ऑब्वियसली यार, इट्स अ BMW भाई, कम ऑन भाई। सेकंड गियर में भी पहली गाड़ी है जो अच्छे तरीके से लाइक ड्रिफ्ट कर रहा है विदाउट एनी ट्यूनिंग। वेट अ सेकंड, जल्दी बोल दिया क्या मैं, जल्दी बोल दिया आई थिंक गाइस, कम ऑन ये भी गो। एंड हम लोग स्पोर्ट्स टायर बर्बाद कर रहे हैं भाई,
गजब गाइस, हम लोग ये BMW से ना आज कंप्लीट करते हैं ये बर्नआउट रेंजर्स, देन हम लोग परचेज करेंगे एक और BMW जो कि रहेगी E46, आई मीन नीड फॉर स्पीड की GTR। हियर वी गो, मिड डाउन स्प्रिंट, लेट्स डू इट। यहाँ पे हम लोगों को देखना पड़ेगा भाई कितने रेसेस कंप्लीट करने हैं। बेसिकली क्लब बॉस को डिफीट करने के लिए ना 10-15 रेसेस करने पड़ते हैं यार। हियर वी गो गाइस, अपनी E92 से पहला रेस। भाई साहब चलो चलो भाई, वो 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 भाई, ये डॉज है ना, डॉज प्लाइमाउथ आई थिंक, वैसी तो दिख रही है भाई। क्रेजी कार्स है यार इसमें, अभी हम लोगों ने प्रॉपरली कार्स देखा भी नहीं है कि कौन कौन सी कार्स अवेलेबल है, बट अभी हम लोगों को रोड में फोकस करना है। कार्स तो चलो बाद में देख लेंगे भाई साहब। कमान, BMW है ये स्लाइड मार रहा है यार, हम लोगों को स्लाइड नहीं मार रहा है बिकॉज वी आर रेसिंग हियर। What is happening with me, guys? मैं कैसा रेस करने लग गया, देखो क्या बोलूं यार, जल्दी चलो भाई, अभी भी चांस है, अभी गिव अप नहीं कर रहा मैं, गिव अप नहीं कर रहा मैं। पहला मुड़ ना भाई यार, स्पोर्ट्स टायर, और कितना अच्छा टायर इसको चाहिए, और कितना अच्छा टायर चाहिए भाई। भाई मैंने ट्रैक्शन ऑन किया है, स्टिल ये स्लाइड मार रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। बट यार पहला रेस है भाई, हारना नहीं है। कमॉन फिफ्थ गियर चला जाए भाई, आई थिंक पकड़ लूंगा मैं, आई थिंक पकड़ लूंगा, अभी चांसेस है। नॉस लिया जाए भाई, मुर्दा स्लाइड नहीं, ओ सामने फिनिश है, मैन आई लॉस्ट द फर्स्ट रेस ऑफ टुडे। यार गंदा आ रहा भाई, लेट्स सी, यहाँ पे रिट्राई करने बोल रहा है कि क्या सीन है, ये पहला रेस है बेसिकली, ओके रिट्राई करने बोला है यार। सेकंड अटेम्प्ट भाई, फाइनली हम लोग यहाँ पे फर्स्ट आ रहे हैं यार, लेट्स गो भाई। बैड स्टार्ट था भाई ये वाले क्लब का, होपफुली यार आगे भी ऐसा ना हो भाई, बिकॉज यार हम लोगों को ये क्लब को, ओ मैन 19 रेस करने हैं टोटल, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, इतना तो मैं जान गया भाई साहब। वेट, ओके हम लोगों ने लेवल अप किया है, यहाँ पे हम लोगों को रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं 25, 6, 15। ये RX7 अनलॉक हो चुका है गाइस, DX7 बेसिकली, F35 मस्टैंग है, ये शेवरले है ना, दैट इज एन ऑडी RS6, यस इट इज एन RS6, दैट इज नाइस। यार मैं सोच रहा हूँ एक और जो C2 क्लास है ना यहाँ पे, ये वाला, इसमें चलते हैं एक बार, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी इसमें कितने रेसेस हैं टोटल में। लेट्स गो, देखते हैं भाई नाइट टाइम का रेस है क्या भाई। Evo, that's an Evo, man, Evo versus BMW, let's go. Oh man, उसका साउंड अच्छा आ रहा है Evo का यार, that is actually a good sound ना भाई, actually अच्छा साउंड आ रहा है भाई। Wait a second, साउंड सुनने में फोकस नहीं करना है चीफ, रेस में फोकस करना है भाई। पूरा टोगी वाला रोड है ये, ड्रिफ्ट रेस करने में बहुत मजा आएगा यहाँ पे, बट फिलहाल वी हैव टू विन भाई साहब। ऊपर देखो मैप, कम ऑन, जितना एलिवेशन चेंज, यार मौका मिल जाए भाई, मौका मिल जाए यार भाई। ये कौन सा रोड है यार, पहली बार यहाँ पे आया हूँ लग रहा है। Let's go, चल गाइस, आज मेरा किस्मत खराब लग रहा है मेरे को, सच बता रहा हूँ मेरा किस्मत बहुत ज्यादा मेरे को खराब लग रहा है भाई। सेकंड रेस ऑफ द डे एंड ये भी हार गया हम लोग,
भाई दोनों ही क्लब का बहुत बैड स्टार्टिंग हुआ यार। चलो भाई रिट्राई किया जाए। यार हो क्या रहा है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है भाई। इसके पहले क्लब रेसेस में भी हम लोगों ने फर्स्ट वाले में बहुत गंदा हारा था एंड इसमें भी वही सिचुएशन, बट दिस टाइम आई एम गोना विन गाइस। ये वाला मेरा चांस है भाई। आई मीन यहाँ से शॉर्टकट एक मेरे को दिख रहा है। ये शॉर्टकट, यस इट इज एन शॉर्टकट। भाई मैं थोड़ा डाउट में रहता हूँ कि वर्क करेगा कि नहीं, दिक्कत ना हो एंड, लेकिन क्या फायदा, आगे जाके क्रैश हो गया एंड बंदा पीछे आ गया मेरे। वो देखो ऑल्सो मेरी गाड़ी पता नहीं क्यों इतना ज्यादा स्लाइड मार रहा है। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है भाई क्या सीन चल रहा है यार। ये थर्ड अटेम्प्ट भाई, इसको फंसा देते हैं। मैन अभी मेरे पास मौका है भाई, वो सीधा भी हो गया तुरंत। लेकिन इसका हिटबॉक्स थोड़ा इम्प्रूव रहेगा ना तो बेसिकली हम लोग क्रैश कर करके भी चला सकते हैं, लेकिन हिटबॉक्स एक्चुअली बहुत बेकार है इसका। एंड अपनी गाड़ी तुरंत स्लाइड मारना चालू कर रही है भाई। ड्रिफ्ट व्हील नहीं बनाया है अभी तक हम लोगों ने, इसको कुछ भी नहीं छेड़ा है भाई, फुल्ली स्टॉक चला रहे हैं, फिर ये स्लाइड मारना चालू कर रहा है। वेट 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 वेट, यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेक्स लेना पड़ेगा। कम ऑन, बोल दिया नहीं भाई। भाई 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 आवाज आ रहा है उसकी, वो लाउड एग्जॉस्ट, कम ऑन यार, लास्ट मोमेंट में निकल गया वो। शिट, नाउ तो कोई चांस नहीं है गाइस। हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? डू वी हैव टू लाइक स्लाइड हियर? हो क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। कम ऑन भाई, फिनिश लाइन सामने है, मैं सब नहीं कहना ओके। आई फाइनली यार, यार आज का दिन सच बता रहा हूँ बहुत बेकार जा रहा है भाई। रेस में कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से हार रहा हूँ मैं। नाउ लेट्स सी इसमें कितने, ओके 15 है भाई। आज मैं सोच रहा हूँ ना भाई, मेरे को वो E46 खरीदना है। सो इसके लिए आज हम लोग ये 15 रेसेस वाले जो क्लब है ना, इसको कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो। ये वेस्टर्न सियरा का जितने भी रेसेस है ना, मैं अभी कंप्लीट कर लेता हूँ, देन हम लोग मिलते हैं भाई अपनी ब्रांड न्यू BMW E46 खरीदते टाइम। यार बहुत टाइम लगता है भाई ये रेस करने में यार, बहुत डिफिकल्ट वाला ये क्लब है भाई सही में। आई मीन इतना ज्यादा टोके रेस करवाया ना इसमें भाई, मेरा दिमाग खराब हो गया। एंड हम लोग गाड़ी हमेशा स्लाइड मार रही है भाई। मैंने रेसिंग प्लस टायर लगाया है फिर भी ये बहुत ज्यादा स्लाइड मार रहा है भाई। अभी हम लोगों का ये लास्ट रेस है, देन इसके बाद हम लोगों को इसके बॉस फाइट करना पड़ेगा भाई। लेट्स सी पहले अटेम्प्ट में मैं हरा पाता हूँ कि नहीं इन लोगों को भाई। इन लोग ना बॉस के थट्टे बट्टे हैं। क्लब रेसेस में बेसिकली ये स्क्वाड रेस होता है, जो इन क्लब में बड़े बड़े महारथी लोग हैं ना, ये उन लोग है भाई। भाई साहब चल, कम ऑन यार, इतना बेकार चलाने लग गया ना यार। आज का मेरा ड्राइविंग बहुत बेकार हो गया सही में। आज कुछ तो सीन है भाई, देख रहे हो भाई यार। 68% आई डोंट थिंक सो मैं पकड़ पाऊंगा यार, बट ना मैं गिव अप नहीं कर रहा भाई। ये रेस में एक चीज समझाऊं, इसमें गिव अप नहीं करना है बेसिकली। इन लोग भी ना बहुत गंदा का आगे जाके ना क्रैश कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो यार इसमें इन लोग क्रैश करने वाले भाई। सामने टर्न है देन उसके बाद फिनिश लाइन है भाई। स्क्वाड रेस भाई, इन लोग एक्चुअली बहुत अच्छे ड्राइवर्स हैं। ये जितने भी स्क्वाड कार लेके आए ना भाई, एक से एक स्क्वाड कार रखे इन लोग। एंड थर्ड आए हम लोग भाई, लेट्स डू अ रीट्राई भाई। हम लोगों ने लेवल 27 भी अचीव कर लिया, लेवल 28 हम लोगों को बस जाने के लिए, इतने पॉइंट चाहिए भाई साहब। भाई साहब क्या यार, ये करना पड़ रहा है भाई। स्ट्रीट रेस है, आप लोगों ने बोला था भाई स्ट्रीट रेसिंग गेम भाई, करना पड़ेगा भाई ये सब। बट यार कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है यार इसमें टोगे रेसिंग करना। एंड इसी के साथ हम लोगों ने वेस्टर्न सियरा का 14 रेसेस कंप्लीट कर लिया है। अब टाइम है भाई क्लब बॉस को हराने का। एंड इसके बाद हम लोग परचेस करने जा रहे हैं BMW E46, जो बेसिकली हम लोग उसको नाम नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड 2005 के BMW M3 GTR में कन्वर्ट करेंगे। हियर वी गो भाई बॉस,
यार व्हाई डू आई थिंक, ये वो वाला बॉस है जिसको जिसके पास ना ताकुमी की कार है, आई थिंक ये वही वाला है भाई। हम लोगों के पास अभी 283,000 क्रेडिट्स हैं यार, हम लोग इसमें लाइक थोड़ा बहुत ट्यूनिंग कर लें क्या? ना यार, स्टॉक कार से हराते हैं भाई, इन लोग क्या है अपने सामने, कुछ भी नहीं है। लेट्स सी। ओ भाई, ताकुमी आ गया कार एक स्ट्रीट में, वो भी उसका घर है भाई। क्रेजी क्रेजी थीम भाई साहब, टोफू डिलीवरी करने आ रहा है भाई। भाई यूरो बीट बैकग्राउंड में चल रहा है, क्रेजी मैन क्रेजी गेम भाई, क्या बनाया है भाई इसको। हियर वी गो भाई साहब, फर्स्ट अटेम्प्ट में बीट कर पाएंगे कि नहीं यार, बिकॉज आई डोंट नो यार, देखना पड़ेगा यार। लेट्स सी हियर वी गो, BMW E92 वर्सेस AE86, एंड मेरे गाड़ी में फ्यूल बहुत कम है भाई साहब, यही होना था। मेन रेस में मैं फ्यूल नहीं भरवाया हूँ, ना ही नॉस है सही तरीके से, बट इट्स अ स्ट्रीट रेस, हम लोग स्ट्रीट वाला स्टाइल में ही चलाएंगे। भाई वाला मेरे को लोकेशन याद करना है, हट, ये ना मेरे को लोकेशन याद रखना है, ये लोकेशन में हम लोग आएंगे भाई अपनी AE86 जब भी खरीदेंगे ना, यहाँ पे वैसा रोल प्ले करेंगे भाई। कमॉन 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 भाई, वो लेकिन बहुत गंदा क्रैश किया ना मेरे ऊपर, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। AE86 ताकुमी, तू अच्छा ड्राइवर है भाई, तेरे लाइक तेरे पास स्किल तो है बट तेरे पास डिसेंसी भी है रेस मेंटेन करने के लिए भाई, वो सब अच्छे से करना भाई रेस, तो यहाँ पे बहुत गंदा हाँ कर रहा है। कमान मैं भी हाँकने लग गया यार, मैं गियर शिफ्ट नहीं कर पा रहा, मैं भूल गया लग रहा गियर शिफ्ट करना, गजब हो गया यार। व्हाट, कमान नॉट खत्म भाई, वो क्रैश कर रहा कहीं पे, क्रैश कर रहा कहीं पे, क्रैश कर रहा। हियर वी गो भाई, सामने एक जंप है भाई साहब, भाई साहब पलटना मत, बहुत गंदा हिट बॉक्स है भाई इसमें सही में। What was this? क्या बोलू मैं भाई, ऐसा जंप भी मत दो ना यार, यार जंप दे रहे हो तो अच्छे से करवाओ। आई मीन गाड़ी का फिजिक्स वैसा, हिट बॉक्स टकरा रहा है तो भाई गाड़ी पलट जा रहा है, ये क्या सीन है। स्टिल अभी भी चांस है, अभी 50% भी नहीं हुआ रे भाई, यार मैं गियर शिफ्ट बुक करना भूल जा रहा हूँ। अभी हम लोग नहीं हारेंगे, आई मीन गिव अप नहीं कर रहा भाई अभी मैं। कमॉन नॉस, एक बार उसके क्लोज पहुंच जाओ ना, स्ट्रीट लुक दिखाते हैं फिर अपना। एंड वी आर आउट ऑफ फ्यूल बाय द वे, बट इट्स अ रेस तो यहाँ पे हम लोगों को किक नहीं करेगा, आई मीन वो दिक्कत नहीं करेगा यार। ये यू टर्न सही में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं भाई, भाई यार वो हारना नहीं है इससे यार, ताकुमी है यार, आई एम नॉट एट द लेवल ऑफ ताकुमी स्किल। 62%, कमॉन कमॉन कमॉन, अभी भी टाइम है भाई, अभी भी टाइम है, वो हगेगा पक्का, हगेगा कहीं ना कहीं। हगना, मैं ही हगने लग गया गाइस, मुड़ ही नहीं रहा है गाड़ी भाई। वो देखो वो पक्का हगा है, यस मैं भी हगा, शिट यार मौका था भाई, अभी मौका था, दस्तूर था, लेकिन हग दिया हम लोगों ने भाई। यार क्या गंदा रेस चल रहा है भाई, आई एम ए ड्रिफ्टर मैन भाई, गाड़ी मुड़ना। चीज है भाई, क्या चीज है ये, दिमाग खराब हो गया मेरा यार, मेरे को लग गया भाई चोट यार।
पहली बार मैंने अपने व्हील को पंच मारा है भाई एक तरीके से। भाई यार हराऊंगा यार इस बार को, हराऊंगा भाई। फ्यूल नहीं है, फिर भूल गया मैं फ्यूल डलवाना। हट रे तुम्ही, फ्यूल खत्म गाइस, फ्यूल खत्म भाई। यार आज का सच बता रहा यार, कुछ तो मतलब कुछ तो बुरा है भाई आज। सही है, टाइम बेकार चल रहा है भाई। लेट्स गो, पीछे फ्यूल अप करते हैं, देन फिर से हम लोगों को भाई रेस स्टार्ट करना पड़ेगा। यार यार ये BMW पनौती है भाई, मेरे को लग रहा है ये BMW ही पनौती है भाई। फ्यूल इसमें इस बार ना हम लोग स्पोर्ट्स फ्यूल फिल करके देखते हैं। आई डोंट नो इसमें क्या होता क्या है, नॉस फुल करेंगे भाई। नाउ लेट्स गो, फिर से हराते हैं। आई मीन मैं फिर से क्यों बोल रहा हूँ कि फिर से हराते हैं भाई, हम लोगों ने एक बार भी हराया नहीं है इसको। बट लेट्स गो, इस बार हराते हैं भाई, हारेगा भाई पक्का। इस बार स्पोर्ट्स वाला फ्यूल भरा है मैंने, आई डोंट नो क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा एक्सेलरेशन क्यों मेरे को क्विक लग रहा है स्पोर्ट्स वाले फ्यूल से भाई। भाई एक्चुअली में मेरे को लग रहा है भाई पहले से क्विकर है। ओके होगा होगा होगा, परफॉर्मेंस बेटर हुआ होगा पक्का। ओह मैन यार सीरियसली परफॉर्मेंस बेटर हुआ है, फील हो रहा है मेरे को, तुरंत एक्सेलरेट कर रहा है भाई। वो वाले जंप में हम लोगों को ध्यान देना है, वो वाले जंप में ना हम लोग थोड़ा स्लो जंप करेंगे। कमान कमान यहाँ पे जंप आएगा भाई, यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा धीरे जंप कराना है गाइस, एकदम हाई स्पीड जंप नहीं करवाना है। हाई स्पीड जंप में दिक्कत है भाई, स्लो जंप, स्लो जंप। यस इतना स्लो था आई थिंक। बच गया भाई, बच गया बच गया बच गया भाई, पलटने वाला था वो टकरा गया, वो टकरा गया था, उसकी गाड़ी पलट चुकी थी भाई। अभी हम लोगों को ना जितना लीड ले सकते ना लेना पड़ेगा भाई, बिकॉज आगे वो टर्न्स आ रहे हैं, यू टर्न्स, उसमें इशू होने वाला है। कमान भाई ताकुमी से रेस कर रहे हैं यार, डिफिकल्ट होना तो बनता ही है भाई, इसके कट्टे बट्टे लोग ही इतना डिफिकल्ट थे भाई, तो ये कैसा रहेगा भाई। मायने रखता है भाई ताकुमी को हराना। यार वो आ गया यार पिछले वाले यू टर्न में घुस गया है भाई, वो गजब बंदा है यार, पीछे ही चल रहा है भाई, सही में कसम से मेरे एकदम पीछे ही चल रहा है भाई, वो कैसा चला के आया भाई, सीरियसली यार हैट्स ऑफ टू हिम भाई, खतरनाक ड्राइविंग है उसका यार। मेरे को क्यों लग रहा है ऐसे क्लासेस बढ़ रहे हैं ना लाइक रेस के एंड कार्स के भाई, डिफिकल्ट होते जा रहा है गेम, डिफिकल्ट होते जा रहा है, मैं रोड पे नहीं फोकस कर पा रहा हूँ, शायद इसलिए मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है। कमान कमान इस बार जीतूंगा मैं भाई, इस बार नहीं हगना कहीं पे। यार तो रोड्स है भाई, लेकिन यहाँ ड्रिफ्ट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा ना यार, मैं तो ड्रिफ्टिंग ही कर पाता हूँ भाई ये सारे रोड्स में, रेस मेरे लिए नहीं बना है भाई, मान गया मैं। कम ऑन हियर वी गो, आई थिंक अब पूरा स्ट्रेट रोड रहेगा। फाइनली मैन आई थिंक सो वी हैव डिफीटेड ताकुमी, मे बी अभी भी कुछ भी हो सकता है भाई, कहीं पेड़ में घुस सकता हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है सीरियसली। अभी बचा हुआ 84% ही तो हुआ है भाई, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स फ्यूल हम लोगों ने डाला है ना भाई, सीरियसली एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा हेल्प करा है। एंड मेरे को क्यों लग रहा है मेरे ब्रेक्स लाइक इशू कर रहे हैं, आई मीन वेट, मेरे को ऐसा लग रहा है, वेट बाद में देखूंगा, अभी क्यों देख रहा हूँ भाई रेस में, क्यों देख रहा हूँ ये सब। ये भी गो, फिनिश लाइन सामने है भाई साहब, लेट्स गो। अजय ताकुमी भाई साहब चोट लगा हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने भाई उसको डिफीट जरूर से किया है। लेट्स सी भाई क्या क्या रिवॉर्ड मिलता है, क्या नाम है इसका, तोशिरो तानाका, तोशिरो तानाका भाई, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटी रखा गया है बेसिकली। हियर वी गो, वेस्टर्न सियरा का एलीट रेसेस अनलॉक हो चुके हैं ना, हम लोगों को क्या क्या रिवॉर्ड्स मिल रहा है, सिर्फ 30 ये मिला है स्ट्रीट कॉइंस एंड 180,000 क्रेडिट्स, दैट इज नाइस, अच्छा खासा अमाउंट मिल गया गाइस, 15,000 फिल मिल गया, लेवल 28 अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, बट लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी वी हैव, 461,000 भाई बहुत होता है ये। एंड इसके एलीट रेस से हम लोगों को कितना मिल रहा है, कहाँ गया, 13,000 बस भाई, ये क्या है भाई, ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे एक घर है, कितने का घर है, व्हाट मैंने परचेस कर लिया क्या,
नहीं 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 बच गया भाई, बच गया बच गया। आई थिंक मैंने परचेज नहीं किया। वेट वेट वेट, लेट सी एंटर भाई, कितने का है? 20,000 का भाई, मैं परचेज कर रहा भाई, बगल में ही घर है, लेट्स गो। अ ब्रांड न्यू हाउस, एंड ये वाला एक्चुअली ही घर जैसा दिख रहा है, ये थोड़ा घर जैसा ही दिख रहा है भाई, दैट इज नाइस। नाउ इट्स टाइम टू परचेज अवर ब्रांड न्यू BMW E46, जिसको हम लोग नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड के M3 GTR में कन्वर्ट करेंगे। हियर वी गो, एंटर बाय। 75,000 का है भाई, बहुत पैसे हैं फिलहाल अभी हम लोगों के पास। आई थिंक हम लोग इसको ना प्रॉपरली नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड में व्हाट भाई, ये कहां से परचेज हो गया? पैसे बर्बाद भाई, ये कहां से परचेज हो चुका? मैं क्या परचेज करने जा रहा था भाई, क्या परचेज हो गया है? गाइस क्या किस्मत चल रहा है मेरा आज भाई, हम लोगों ने गलती से Z31 परचेज कर लिया। परचेज हम लोगों को ये करना है मैन, 85,000 फिर जाएगा यार। किस तरीके से अब इसको कस्टमाइज कर पाएंगे भाई, डिफिकल्ट होगा, बट लेट डू इट। आई मीन मॉड करेंगे तो पक्का से दिखेगा नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड का कार, 100% है साउंड। ओहो, ये वी गो, अनदर BMW इन आवर गैराज मैन। भाई डिप लॉक नहीं है, फील हो रहा है मेरे को लाइक ये इस तरफ का ज्यादा ही चक्का स्लाइड मार रहा है, इस तरफ का देखो कम स्मोक्स है, अच्छा ड्रिफ्ट मार रहा है भाई, विदाउट डिप लॉक भी ठीक ठाक। कहाँ जा रहा हूँ मैं, कहाँ जा रहा हूँ मैं, अच्छा खासा स्लाइड मार रहा है भाई एक्चुअली में, एंड डिसेंट साउंडिंग कार भी है। गाइस ये BMW E46 को हम लोग ना ट्यून तो अच्छे तरीके से करेंगे, बट वेट अ सेकंड, हम लोगों की ये कहाँ गया भाई, हाँ ये इसको लेके आते हैं। नाउ गाइस देखो, यहाँ पे ये बर्नआउट रेंजर्स भी है जिसको हम लोगों को डिफीट जरूर से करना है। नेक्स्ट वीडियो में भाई हम लोग ये पूरा डिफीट करेंगे, देन हम लोग अपनी E46 M3 GTR को भाई प्रॉपरली नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड में कन्वर्ट करेंगे। आपको अगर और कार एक्स के वीडियोस देखना है तो भाई स्क्रीन में शो कर रहा होगा।